न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरदोई जिले में पुलिस ने जंगल में बनाए जा रहे अवैध असलहों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें से दो व्यक्ति अवैध शस्त्रों को बना रहे थे। पुलिस टीम द्वारा छापेमारी करते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने दो तमंचे, 12 बोर, अर्धनिर्मित तमंचे 12 बोर, दो जिंदा कारतूस 12 बोर, एक खोखा कारतूस 12 बोर और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। एएसपी नीपेंद्र कुमार ने बताया कि अनिल के विरुद्ध बेनीगंज और अतरौली में असल फैक्ट्री के पहले से मुकदमे दर्ज है। थाना कचौना पुलिस एवं उनकी टीम रेशम चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों में वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कुछ लोग बबुल के जंगल में अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। इस पर पुलिस द्वारा तत्परता बरतते हुए तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचा गया और घेराबंदी कर उसमें दो व्यक्तियों कर्मता अनिल एवं भरत को गिरफ्तार किया गया। मौके पर दो तमंचे निर्मित एवं दो अर्ध निर्मित एवं भारी मात्रा में कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के अलग अलग उपकरण मिले हैं, जिसमें पुलिस द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार कर झांसी के मऊरानीपुर गरौट मार्ग पर लहचुरा थाना क्षेत्र में ग्राम बमहोरी के पास आपे और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आपे पलट गई। दोनों बहनों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को CHC उपचार के लिए भर्ती कराया। दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कांत सिंह राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा तन मन धन से बसपा के प्रत्याशी श्रीपाल सिंह राणा के साथ है। उन्होंने कहा कि समस्त राजपूत समाज और सर्व समाज श्रीपाल राणा के साथ है। अपने संगठन के सभी सदस्यों, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया श्रीपाल राणा को चुनाव जिताकर संसद भेजने का काम भी करें। वाराणसी में फर्जी पत्रकार गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 9 फर्जी पत्रकार हाईवे पर स्टिंग ऑपरेशन का भय दिखाकर आने जाने वाले वाहनों पुलिसकर्मियों से वसूली कर रहे थे। उनके कब्जे से रिपोर्टिंग माइक, रिपोर्टिंग स्टैंड, 3 हैंडसेट सेट, कैमरा, भारी मात्रा में सिम कार्ड, नकली पहचान पत्र। आपको बता दें कि इसके अलावा मानव अधिकार आयोग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ घटना में इस्तेमाल वाहन को बरामद कर लिया गया है। देखिए, थाना लंका में एक हमले लोगों ने गैंग को पकड़ा जो अपने आप को फर्जी पत्रकार और पत्रकार बना के धन उगाही वाली चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। बेसिकली हाईवे पे ये लोग बड़ी गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को और ऐसे चीज़ों को टारगेट करते थे जहां से लगता था कि पैसे ईजिली हम लोग उगा सकते हैं। तो इसमें जो मृदुल कुमार तिवारी है, ये इनका मेन लीडर है। ये अपने आप को मुख्य संपादक बताता था आगाज़ इंडिया करके न्यूज़ का, और इसके अन्य साथी जो टोटल 8 हैं उसमें गौरव भारती है। इसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत है लूट का मड़वाली थाने से। झांसी में मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश हुई। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई। तेज आंधी के साथ तेज बारिश भी शुरू हुई। नानकमत्ता कारसेवा बाबा तरसेम की हत्या में षड्यंत्र में शामिल 2 और लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि तराई क्षेत्र में गुरुद्वारे के वर्चस्व को लेकर 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह के बाइक सवार 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि आरोपी संतराम और सुल्तान की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई थी। टीम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के मोदी नगर निवाड़ी में बीते 10 अप्रैल को घर में महिला को बंधक बनाकर हुई लूट मामले का खुलासा कर दिया गया। डीएसपी ग्रामीण विवेक यादव ने बताया कि 10 अप्रैल को हुई लूट मामले में दीपिका त्यागी ने अपनी मां सुनीता त्यागी और बाप योगेंद्र त्यागी के संग मिलकर इस लूट को अंजाम दिया। मेरठ के रहने वाले सुनीता त्यागी और योगेंद्र त्यागी ने अकबर नाम के एक व्यक्ति को 20,000 रुपए में हायर कर दीपिका के घर पहुंचे, जहां बेटी दीपिका के पति, ससुर और देवर खेत गए हुए थे। तभी कूटनीति रचकर दीपिका के ने अपने हाथ पैर अकबर से बंधवाए, क्योंकि देवर तो कुछ महीने पहले ही अपनी माँ और बाप के संग मिलकर मेरठ के एक ज्वेलर को 3 लाख रुपए में बेच चुके थे। उन्हीं आभूषणों को पुलिस ने बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनगर में विशाल जनसभा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी बेहद उत्साहित हैं। यूपी के सीएम की जनसभा श्रीनगर के एनआईटी मैदान में होनी है, जिसका अनिल बलूनी ने स्थलीय निरीक्षण किया। अनिल बलूनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ही जनसभा यहाँ है और उनकी जनसभा यही नहीं बल्कि पूरे भाजपा कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए बेताब है। दरअसल भाजपा ने योगी आदित्यनाथ की जनसभा में 20,000 से ज्यादा भीड़ जुटने का अनुमान लगाया है।
देखिए हम सब पूरे के पूरे गढ़वाल के लोग और आसपास की जो विधानसभाएं हैं श्रीनगर की, सबके सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमारे योगी जी आएंगे और उनको संबोधित करेंगे, क्या बोलेंगे सुनने के लिए सब बेताब हैं। पूरे लोकसभा का मैं प्रवास कर चुका हूं और पूरे प्रवास के दौरान जो बहुत स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है, पूरा जनमत। बैसाखी के पावन पर्व पर पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम पर देवी देवताओं के प्रतीक डोलियों और निशान आपस में मिलन और गंगा स्नान करने के साथ ही बैसाख कौतिकों की श्रृंखलाओं का धूमधाम से आगाज हुआ। ये मेला जनपद चमोली के विभिन्न क्षेत्र से पिंडर घाटी में अलग अलग स्थानों पर 5 दिनों तक चलेगा। बैसाखी के पर्व पर नारायणबगड़ के पंथी कस्बे में लगने वाले बैसाखी मेले के सांस्कृतिक मंच पर शनिवार को लोक संस्कृति जीवंत हो उठी। बैसाख मेले समिति की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ थलारी विधायक गोपाल राम टमटा ने किया। इस मौके पर महिला मंगल दलों ने लोकगीतों और लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी। अपने क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों की बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं, सौहार्द का वातावरण बने ऐसे आज की इस बैसाखी के पर्व पर हमारी रीति भी है। और इसके आयोजक विशेष रूप से मैं जो आयोजक कमेटी है यहाँ पर, मैं उनके संरक्षक के रूप में कहूँ या अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर डॉक्टर हरपाल सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने विगत 1-2 सालों से इस मेले के स्वरूप को, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे धार्मिक जिस प्रकार की रीति रिवाज है, उसको और बेहतर व्यवस्थित तरीके से करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, मैं उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री अमरमणि की संपत्ति कुर्क करने पुलिस नौंतवा बस्ती पहुंची। बस्ती के स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने अमरमणि को फरार घोषित किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बस्ती के एमपीएमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ने अमरमणि की संपत्ति को जल्द कुर्क करने के आदेश दिए थे। सन 2001 में बस्ती जिले के व्यापारी के बेटे राहुल मदेशिया अपहरण कांड मामले में ये कार्रवाई की गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।